वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि हम नदीम भाई से बात कर रहे थे उनके शौक के हवाले से और उनकी गाड़ियों के हवाले से, तो हम नदीम भाई से पूछते हैं कि उन्होंने ये वाली जो रेसिंग कार है, जो इनका ट्रक है मॉन्स्टर, तो इसमें क्या खासियत है नदीम भाई जी? ये ट्रक जो है फोर्ड का एक ट्रक है 150, इसको जो है एक अमेरिकन कंपनी है उसने इसको मॉडिफाई किया पूरा। इसमें सस्पेंशन वगैरह और चीज़ें सारी इसकी जो है चेंज की, उन्होंने शॉक्स वगैरह चेंज किएंगे। और ये है कि इसमें कि ये इसका ट्रैवलिंग जो है वो बढ़ाई है उन्होंने, क्योंकि हम लोग रेस पे जब जा रहे होते हैं तो हमारे वहाँ पर क्योंकि डिचेज वगैरह और बहुत बड़े बड़े जंप्स होते हैं, तो उसके अंदर जो है वो गाड़ी के अंदर एक मूवमेंट होनी चाहिए, तो इसलिए जो है इसको पूरा खासतौर पर वहाँ बनवाया है अमेरिका के अंदर और वहाँ से बनवा के इसको मंगवाया है, तो इसकी राइड बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट है। अच्छा सर, इसका साइज जो है वो नॉर्मल जो हम लोग जो पाकिस्तान में कैरी करते हैं वीगो हाईलैक्स वगैरह उनसे डबल है, तो आपको चलाते हुए मुश्किल नहीं होती थी रैलीज में? असल में मुझे शुरू से ही बड़ी गाड़ियाँ रखता हूँ मैं, शुरू से आज आई थिंक 20 साल हो गए मुझे रखते हुए बड़ी गाड़ियाँ, तो मुझे आदत है इनकी बड़ी गाड़ियों में, कोई मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है। जो आप गाड़ी चलाते हैं एक्चुअली ड्राइवर्स जो होते हैं उनको, जो गाड़ी भी आप चलाएंगे ड्राइवर को थोड़ी देर में गाड़ी का पता चल जाता है कि गाड़ी कितनी बड़ी है, कैसी है, कहाँ ब्रेकिंग कर रही है, कहाँ कर रही है। जारी बात है, अगर हमें ये पता ना हो तो फिर हम रैली ड्राइवर कैसे बनेंगे कि गाड़ी को कहाँ रोकना है और कहाँ चलाना है। तो सर आप माशाल्लाह से लेजेंड हैं इस फील्ड के, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने ये जो ब्लैक है टकोमा, तो ये आपने कब ली और ये आप क्यों कैरी करते हैं? टकोमा जो है देखें ये लेटेस्ट अभी है, जो इसका जो मॉडल है उसका वो है ये। और आपको पता होगा कि हमारे जो रैली चैंपियन है आई थिंक पिछले 15 साल से 12 साल से नादिर मक्सी साहब जी, जी वो भी इसकी पुरानी वाली यूज़ करते हैं टकोमा जी जी, जी और exactly. सुल्तान साहब है हमारे आजकल जो रैली ड्राइवर अच्छे हैं, अभी नए आए हैं वो और 2-3 साल से और उन्हें अच्छी पोजीशन पे आ गए, फर्स्ट सेकंड पे वो भी होते हैं, नादिर खान को उनका बड़ा कंपटीशन रहता है, तो वो भी जो है टकोमा पुरानी वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इंशाल्लाह देखें शायद ये लोग अगले टाइम में नए टकोमा पे आएंगे इसके ऊपर ही, या फिर ये लोग फोर्ड रैप्टर वगैरह पे आएंगे, तो जो गाड़ियाँ इनको समझ में आएंगी सूट करेंगे वही करेंगे ये। तो मैंने इसलिए लिया था कि ये नया है और टकोमा इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है गाड़ी की, तो ऐसे ही मेरा शौक है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियाँ लेके आता हूँ रिलीज के अंदर, और जो है उसमें ये होता है मज़ा मुझे आता है कि मुझे डिफरेंट गाड़ियों के जो ड्राइविंग होती है उसकी मुझे ड्राइविंग प्लेजर लेने का मज़ा प्लेजर होता है कैसा आएगा वो मुझे डिफरेंट डिफरेंट पता चलता रहेगा, एक गाड़ी मुझसे नहीं चलाई जाती। अच्छा नदीम भाई ये बताएं कि जो टकोमा है ये क्यों स्पेसिफिकली सारे लेजेंड जो है वो ये यूज़ कर रहे हैं, क्यों इसकी क्या खासियत है, इसमें क्या ऐसी खास बात है? देखें टकोमा जो है वो एक ब्रांड जो है वैसे टोयोटा का है लेकिन ये अमेरिका में बनती है। सही। और टकोमा के अंदर जो है हैंडलिंग इसकी जो है बहुत अच्छी बनाई है उन्होंने। सही। जब आप इसको रेस में चलाते हैं तो इसमें इसकी जो हैंडलिंग है ये शॉक्स डालने के बाद बहुत अच्छी रहती है, और तेज़ भी इंजन इसका जो है 3.5 का इसका इंजन है जो काफ़ी अच्छी बीट भी प्रोड्यूस कर रहेगा, तो ये है कि ये जो गाड़ियाँ इस कैटेगरी के अंदर हैं सब जो गाड़ी चल रही हैं उनमें ये गाड़ी बहुत बेहतर रहेगी। अच्छा सर रैली के लिए स्पेशली कोई सस्पेंशन प्रोवाइड होता है या फिर नॉर्मल सस्पेंशन पे गाड़ियाँ वर्क कर जाती हैं? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल सस्पेंशन के लिए फिर नॉर्मल कैटेगरी है, और उसके अंदर भी अगर आपको रैली लंबी करनी है मतलब वो 200 किलोमीटर से ऊपर की है या 500 किलोमीटर जैसे चौलिस्तान होती है 500 किलोमीटर होती है, तो अगर वो है तो फिर वो उसके लिए तो आपको डेफिनेटली जो है वो शॉक्स डालने पड़ते हैं। बेस्ट जो शॉक्स आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग वो किंग्स के आएंगे, किंग्स के, और डबल डबल शॉक्स होते हैं हमारे, तकरीबन हर गाड़ी में 8 शॉक्स लगे होते हैं क्योंकि जंप्स हमारी जो है बहुत हाई होती हैं और बहुत दूर तक की होती हैंगी, तो डेफिनेटली वो शॉक्स और सस्पेंशन चेंज करना पड़ता है प्रीपेड क्लास के अंदर। नॉर्मल क्लास के अंदर जो है थोड़ा बहुत जो है वो चल जाता है, मतलब छोटी रेस हो तो आप नॉर्मल शॉक्स से चला सकते हैं, वो भी एक अलग क्लास के अंदर, सब गाड़ियों में नहीं। अच्छा सर ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो शौक है ये कोई नॉर्मल इंसान मुझ जैसा या और जैसे लोग हैं वो कर सकते हैं, या फिर स्पेशली ये बहुत महंगा शौक है, इसकी सामान जो है वो बाहर से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, अब तो काफ़ी चीज़ें हो गई हैं जो लोग यहाँ पे अवेलेबल हो गई हैं जो मार्केट में मिल जाती हैं, लेकिन पहले टाइम में ये चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती थी तो काफ़ी कॉस्टली होती थी, तो ये बताएं कि अब ये नॉर्मल बंदा अफोर्ड कर सकता है या अभी भी स्टिल ये जो है वो काफ़ी महंगा है शॉक? देखें न्यू कमर्स के लिए जो है ना कैटेगरी अलग होती है हमारी, और जो है उसमें ये है कि नॉर्मल गाड़ी नॉर्मल शॉक्स के साथ आप गाड़ी चला सकते हैं, जारी बात है ये शौक महंगा आएगा और आसान शौक नहीं है कि आपने हॉकी पकड़ी या बैट पकड़ा आपने और आपने खेलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जारी आप देखें इसके अंदर के इसमें लोग बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर, आप देखेंगे लोग तो काफ़ी कम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए पार्टिसिपेट कम करते हैं कि इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, मतलब अगर आपको अच्छी गाड़ी लेनी है तो वो 1 करोड़ से कहीं कम नहीं, कम की नहीं, और अगर नॉर्मल गाड़ियाँ आपको चलानी है जो नॉर्मल नए कमर्स जो आते हैं वो लड़के लड़कियाँ वो चला रहे हैं तो वो लोग वीगो से स्टार्ट करते हैं, और वीगो अच्छी गाड़ी होती है, उसको अगर बहुत आपको करना है तो उसमें शॉक्स डाल लें आप, तो उसके अलावा जो है वो बड़ी गाड़ी कैटेगरी जो है वो ज़रा महंगी महंगी। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि जब बंदा रैली पे जाता है तो वहाँ पे जाके रैकीज़ वगैरह भी होती हैं, तो काफ़ी लोगों ने ये किया हुआ है कि रैकी के लिए अलग गाड़ी रखी हुई है रेस के लिए, क्या ये ज़रूरी है या जो मतलब प्रोफेशनल ड्राइवर है वो अपनी वो रेसिंग कार के साथ भी रैकीज़ पे जा सकता है, उसको इन्जॉय कर सकता है?
नहीं देखें, उसकी वजह ये है कि अगर हम रैली वाली गाड़ी में वहाँ पर रेकी करेंगे तो गाड़ी जिस तरह से हम रेकी करते हैं वहाँ पर ना, वो स्पीड हल्की नहीं होती। सही, उसमें भी गलती गुंजाइश होती है कि अगर उस टाइम पे रेकी के अंदर हमने गाड़ी को 200 किलोमीटर की रैली हो रही है और हमें उसकी रेकी करनी है या 500 किलोमीटर की हमने रेकी करी, तो गाड़ी तो वैसी फारिग हो जाएगी। फारिग हो जाएगी, सही कह। और गाड़ी के अंदर जो है मुख्तलिफ चीज़ें आ जाएंगी, मुख्तलिफ काम आ जाएंगे उसके अंदर, तो अगर उसमें काम आ जाएंगे तो फिर जो है वो गाड़ी को चलाना रेस के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमें कैटेगरी अपनी गाड़ी की, जो हमारी गाड़ी की अलग होती है वो रेकी के लिए, वो हम उसको हम अलग रखते हैं और बाकी रेस वाली गाड़ी अलग होती है उसको छूते ही नहीं, छूते भी नहीं है जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो ये रेड मॉन्स्टर खड़ा हुआ है, मुझे पाकिस्तान में तो ये आज तक दिखा नहीं है, ये आप बहुत रेयर है, इसके बारे में बताएं कि ये आपने कब इंपोर्ट किया और इसकी क्या खसूसियत है? इस वक्त जी पिकअप्स में जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है इस वक्त यही पिकअप हैगा। इसको जो है शेल्बी ने बनाया है, फोर्ड का ये कंपनी का है। ये 5000 cc है और इसके अंदर सुपर चार्जर लगा हुआ है। 5000 cc के ऊपर भी सुपर चार्जर लगा हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ, जैसे नदीम भाई बता रहे हैं कि 5000 cc और उसके ऊपर भी सुपर चार्जर, तो आप सोचें कि इस गाड़ी की क्या पावर जनरेट होती होगी और रोड पे किस तरीके से परफॉर्म करती होगी। जी नदीम भाई, इसमें फिर इसके बाद इसकी कंप्यूटर में अपग्रेडिंग की गई है, फिर सस्पेंशन आप देखें इसका वो भी अपग्रेड हुआ हुआ है, तो पूरा इसके अंदर जो है गाड़ी को इसको उन्होंने इसकी लिहाज से बनाया, स्पीड के लिहाज से इसके डिस्क चेंज किए हैं, ब्रेक्स की वो बड़ी डाली हैं, टायर चेंज किए हैं इसके, तो ये गाड़ी जो है पूरी शेल्बी वाले कंपनी जो है वो बना के देती है और उसके बाद ये गाड़ी जो है वो चलती है। और ये गाड़ी मोस्ट पावरफुल पिकअप इन द वर्ल्ड है। 800 bhp है ये, 850 bhp इस पर लिखा होता है, लेकिन जब इसको आप डायनो टेस्टिंग करेंगे तो ये 790 करीब है। व्यूअर्स ये देखें, ये हमारे लिए हैरत अंगेज बात है कि ये 800+ hp है, तो इतने बड़े ट्रक्स कभी इतने हाईली पावर्ड होते नहीं है। अच्छा नदीम भाई, ये बताएं कि आपने गाड़ी इम्पोर्ट तो कर ली है, तो इसका सामान मिल जाता है आपको इजीली? नहीं, सामान तो इसका जिस जो गाड़ी जहाँ की ये सामान वहीं से आता है, अमेरिकन है तो अमेरिकन सामान आएगा, जापान की है जापान से सामान आएगा, ये सामान तो यहाँ नहीं मिलता, कोई भी नहीं मिलता, हम खुद ही लेके आते हैं। तो सर ये आप मतलब कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ से आप इसको ट्यून वगैरह कराते हैं या नॉर्मली किसी भी बंदे से? अपने मैकेनिक्स हैं हमारे, उनसे ही हम कराते हैं, तो वही कर सकते हैं ये काम, नॉर्मल गाड़ी तो है नहीं कि नॉर्मल कोई भी बंदा करे, वो नहीं कर सकते। अच्छा नदीम भाई, इसके बाद आपको मूड, आप जैसे माशाल्लाह से हर दफ़े एक यूनिक व्हीकल के साथ नज़र आते हैं और सबसे यूनिक होती है और सबसे पावरफुल होती है, तो इसके बाद तो आपके पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो आप कोई गाड़ी ऐसी है जो आप समझते हैं कि इसके बाद मैं ये इम्पोर्ट कर लूँगा जो लोगों के लिए सरप्राइज़ हो जाए वो? सरप्राइज़ तो ऐसा कोई आजकल है नहीं, क्योंकि जो है इस वक्त जो टॉप पे गाड़ियाँ चल रही हैं दुनिया में रैलीज़ के अंदर या नॉर्मली पिकअप जो हैं, हम लोग क्योंकि रेस पे पिकअप ही इस्तेमाल करते हैं, तो सारी मेरे पास हैं अभी फिलहाल। ये भी नई है कि ये शेल्बी की, उसके अलावा फोर्ड रैप्टर मेरे पास है जो ओरिजिनल नई वाली है, वो भी मेरे पास है, तो ये फिर मैंने रेस के लिए मंगवाई है, ये भी है, तो ऐसी कोई नई गाड़ी नहीं है। हाँ, इसी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर लें अगर आप, या सस्पेंशन इसका चेंज कर लें, इसी को रेस डबल शॉक लगा के इसी को रेस में ले जाएं, या अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ये भी होता है, या फिर इसमें अगर रखते हैं कि आप रैप्टर जो नई वाली है जो मेरे पास है दूसरी वाली, उसके अंदर मैं डबल शॉक लगाऊँ और उसको फिर ले आके प्रीपेड में चले जाऊँ, क्योंकि मैं सी प्रीपेड में अभी चला रहा हूँ ये गाड़ी। अच्छा, ये 2.7 ट्विन टर्बो है, ट्विन टर्बो तो ये इसके लिए सी प्रीपेड में होती है। अगर मुझे ए प्रीपेड में जाना है तो मुझे या तो रैप्टर लेनी होगी या टकुमा, या इसके अंदर मैं डबल शॉक्स करूँगा और मैं उनमें जा सकता हूँ। अच्छा सर, मैंने इसके बारे में खास बात सुनी थी कि ये पूरी गाड़ी फाइबर बॉडी पर बनी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने, सुना ये गाड़ी पूरी फाइबर ग्लास है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो वाला ट्रक है मॉन्स्टर ट्रक, ये पूरा फाइबर बॉडी पे बना हुआ है इस वक्त, और इसी वजह से इसका वेट लाइट हो जाता है और इसमें पावर और निकलती है, ऐसे ही नदीम भाई? बिल्कुल यही है इसमें, ये जो इसकी पावर है एक्चुअली, ये इसकी बहुत, इसका पार्ट जो है इसके अंदर ये बहुत है कि इसके पूरी गाड़ी यहाँ से लेके वहाँ पीछे तक की फाइबर ग्लास की बनी हुई है, और इसका वेट उन्होंने कम कर दिया ताकि ये गाड़ी ज़्यादा रन कर सके। वैसे 350 bhp इसमें प्रोड्यूस कर रही है गाड़ी, 2.7 में दुनिया में कोई भी इंजन जो है वो 350 bhp प्रोड्यूस नहीं कर पाता, सिर्फ ये गाड़ी है जो कर रही है इतने। तो व्यूअर्स, हम नदीम भाई से पूछते हैं कि हम कौन सी गाड़ी की राइड पे जाएं और उसको एंजॉय करें? आप जो चाहें चूज कर लें इसके अंदर, जो आप जिसको जिसमें आपको राइड पे जाना चले। नदीम भाई, तो फिर हम इस वाली पे चले? हाँ बिल्कुल चले, आप राइड में। तो व्यूअर्स, हम 750 bhp शेल्बी पे जाएंगे और इसकी राइड एंजॉय करेंगे।